हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल इंडियन नॉलेजेबल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो कि 5वीं, 8वीं और 10वीं पास है। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी विभाग ने अपनी वैकेंसी जारी कर दी है। वीडियो में बने रहिए, वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2021 की नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है, कब से अप्लाई करना है और कब लास्ट डेट है और कितनी फीस है और कैसे चयन होगा और कैसे नहीं, पूरी बात और पूरी जानकारी इस वीडियो में है। आंगनवाड़ी में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास कलबुर्गी ने आंगनवाड़ी और हेल्पर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आंगनवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट aanganwadidirectrecruit.kar.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2021 है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न पदों पर आंगनवाड़ी ने भर्तियां निकाली है, जिसमें 5वीं और 9वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा वेतन आपको मिल सकता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये, ना कोई इसमें एग्जाम है ना ही कोई इंटरव्यू, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है और स्टार्टिंग डेट इसकी 1 जुलाई 2021 से शुरू हो चुकी है, 1 जुलाई 2021 से, और अंतिम तिथि इसकी 31 जुलाई 2021 है, जो कि अभी काफ़ी दिन है, लेकिन आप जल्द से जल्द आवेदन करिए। इसका विवरण देख लेते हैं। आंगनवाड़ी एवं सहायिका की इसमें 331 पद है और इसकी जो योग्यता मानी गई है वो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 4वीं या 5वीं और अधिकतम 10वीं या 9वीं पास होना चाहिए। और इसके लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 18 से 35 वर्ष रखी गई है, वो भी सरकारी मानदंडों के अनुसार। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को इसमें छूट भी दी जाएगी। इसका चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ही नॉलेजेबल वीडियो है, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो जल्द से जल्द आवेदन कीजिए आप, क्योंकि ये एक सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ना ही इसमें कोई एग्जाम है और ना ही इसमें कोई टेस्ट है, डायरेक्ट ही मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।